ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट एग्जांपल। तो कल हमने रिलेटेड थ्योरी देखा था प्रोपगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, इफ यू रिमेम्बर। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। वॉट इज द स्पीड एंड इट्स एरर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, कितना टाइम? 100 प्लस माइनस 1। तो टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100, और टाइम में एरर कितना है? 1। और डिस्टेंस ट्रेवल, लेट अस से डिस्टेंस ट्रेवल इज डी, डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू कितना है? 5.2 एंड एरर इज 0.1। तो 5.2 मीटर एंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज 0.1 मीटर। आपको पूछा है व्हाट इज स्पीड अलोंग विथ एरर, तो यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट्स टू सिंपल। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्पीड। स्पीड को मैं डिनोट करूंगा वी से, वी मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड। तो आपको स्पीड फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है एरर, मतलब डेल्टा वी बाय वी। आप बोलोगे व्हाई नॉट डेल्टा वी, मैंने कल ही बताया था एब्सोल्यूट एरर कब फाइंड करते हो और रिलेटिव एरर कब फाइंड करते हो, भूल गए? चलो कोई बात नहीं। अगर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड विच इज ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी, तो एरर हाउ मच इज द एरर? डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, वेरी गुड। तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो यू डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, लेकिन अगर प्रोडक्ट हो तो, जैसे जेड इक्वल टू ए इंटू बी या फिर ए अपॉन बी, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बी। तो जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट या डिवीजन हो तो कौन सा एरर डिफाइन होता है? एब्सोल्यूट की रिलेटिव? रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर कब होता है? जब दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, बराबर ना? सही है ना? यस। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड जब करोगे तो रिलेटिव एरर डिफाइन करोगे कि एब्सोल्यूट करोगे? रिलेटिव के एब्सोल्यूट, तो इसलिए मैंने लिखा डेल्टा वी बाय वी। ओके गुड। तो फॉर्मूला इज टू सिंपल, फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली सिंपल। तो पहले तो बताओ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो इजी है। अब यही यूज करके बताओ, अभी मैंने बताया था जेड इक्वल टू ए इंटू बी या ए अपॉन बी, व्हाट इज डेल्टा जेड बाय जेड? डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा वी बाय वी। तो ये फॉर्मूला देख के बताओ व्हाट इज डेल्टा वी बाय वी? डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा टी बाय टी। वेरी गुड 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 गुड। तो बहुत सिंपल है, हो गया फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला मिल गए। यस। तो लेट अस जस्ट नाउ पुट वैल्यूज एंड सॉल्व दिस। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5.2। टाइम कितना है? 100। तो 5.2 अपॉन 100, ये ऊपर जाएगा तो 10^-2। तो 5.2 × 10^-2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये आएगा 0.052 मीटर पर सेकेंड। हो गया, करेक्ट है, यही आंसर है। फिर क्या फाइंड करना था? रिलेटिव एरर। तो लेट अस फाइंड रिलेटिव एरर। सिंपल, डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू डेल्टा डी बाय डी। व्हाट वाज डेल्टा डी? डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है? अभी तो बताया 0.1। डेल्टा डी मतलब 0.1 अपॉन डी कितना? 5.2 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी कितना है और ये कितना है? 100। गुड। ये दोनों का पॉइंट हटा दो, 0.1 अपॉन 5.2 इज 1/52,
प्लस 1 बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 प्लस 52 अपॉन 52 इंटू 100, तो आ गया 152 बाई 52, 152 बाई 52, और ये 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10^2 - 2। गुड, 152 बाई 52 ये 3 से थोड़ा छोटा आएगा, क्यों? व्हाट इज 150 बाई 50, व्हाट इज 150 बाई 50, 3। तो 152 बाई 52 इज स्लाइटली लेस देन 3, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, आपने ही बताया 50 × 3 = 150, मैंने तो बताया नहीं, आप ही बता रहे हो। व्हाट इज 52 × 3 = 156, तो अगर 156 बाई 52 आया तो आंसर कितना आता है? 3। ऊपर का नंबर छोटा किया तो ये नंबर छोटा होता है, नीचे का नंबर छोटा किया तो ये नंबर बड़ा होता है। हमारे केस में 152/52 है, तो न्यूमरेटर छोटा है कि न्यूमरेटर बड़ा है? कंपेयर टू दिस, 156 से न्यूमरेटर छोटा है ना, तो आंसर तुम्हारा 3 से कम आएगा, और आएगा 2.9 समथिंग आएगा। देखो वन फाइव टू डिवाइड बाय 52 कितना आया? 2.923, तो ये आ गया आपके पास 2.923 × 10^2 - 2, मतलब 0.0292 m/s। हो गया आंसर खत्म, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड। स्पीड भी मिल गया और एरर इन स्पीड भी मिल गया, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो वी विल रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन, जिनको नहीं समझा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पहले क्वेश्चन को समझ लो। आपके पास डिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू है कितना? 5.2 ± 0.1, तो डिस्टेंस कितना है? 5.2। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कितना है? 0.1। और टाइम का मेजर्ड वैल्यू कितना है? 100 ± 1 सेकेंड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर इन टाइम? 1 सेकेंड। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन यूज करके आपको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ स्पीड एंड एरर इन द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास दिया था 5.2, टाइम दिया था 100 सेकेंड्स, तो ये आ गया 5.2 × 10^2 - 2 m/s, तो ये आ गया 0.052 m/s, डन। अब क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो तो एरर कभी भी एब्सोल्यूट नहीं, फ्रैक्शनल एरर डिफाइन होता है, मतलब डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा डी इसकी वैल्यू आपको पता है 0.1, ये भी पता है 5.2, डेल्टा टी है 1, ये है 100, गुड। तो कुछ नहीं है, दिस इज सिंपल, 1/52 प्लस प्लस 1/100, राइट, क्लियर? सिर्फ आई थिंक आपको परसेंटेज एरर पूछा था, परसेंटेज पूछा था? नहीं, तो ठीक है, जो पूछा है वो कितना होगा, ये कितना होगा? 152/52 × 100, और ये गया ऊपर 10^2 - 2, ये आ गया 2.92। तो व्हाट इज 2.92 × 10^2 - 2? 0.029 हो गया m/s, डन। अच्छा ओके, ये 0.1, 0.1 मतलब 10^-1, बराबर 5.2 मतलब 52 × 10^-1, तो इन शॉर्ट अगर ऊपर और नीचे डेसिमल हो, देखो ऊपर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो डेसिमल डायरेक्ट हटा दो, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू सी इफ यू रिमेम्बर डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज ई एंटर्स इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बार विद वेलोसिटी वी बार, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन द चार्ज ई इज गिवन बाय
मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मतलब फोर्स का मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी इंटू ई इंटू वी, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ बी बार। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर वन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चैप्टर नंबर वन में आने वाले 2 साल का जो फिजिक्स का आपका सिलेबस है उसके सारे फॉर्मूलाज तो नहीं लेकिन अराउंड 60-70% फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, इवन दो इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगा, जरूरत नहीं है हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट पता होने की जरूरत नहीं। बोला ऐसा है, एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज ई एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बार विद वेलोसिटी वी बार, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो इसको हम लोग नॉर्मली एक एरो हेड से डिनोट करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको मैथ्स में, डायरेक्टेड क्योंकि डायरेक्शन है, लाइन है इसके लिए लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हो। इतना भी पता है तो बहुत हो गया, ये नहीं भी पता है तो भी चलता है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिस इज इलेक्ट्रॉन, इसका वेलोसिटी कितना है वी, ये किस में एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी बार, और ये मैग्नेटिक फील्ड था बी बार। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और उस फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको बी इंटू ई इंटू वी, और आपको पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बोले ना देखो ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ बी, बी बार मतलब बी बार क्या है वो अगले चैप्टर में सीखोगे, फिलहाल पहले चैप्टर में जहां पे भी बार हो वो भूल जाओ, वो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। तो क्या फाइंड करना है तुमको डायमेंशंस किसके, तो कैन आई राइट डाउन बी इक्वल टू एफ अपॉन ई वी, यस राइट, डू यू नो वॉट आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एम वन एल वन टी माइनस टू, डू यू नो वॉट आर द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी स्पीड, एल वन टी माइनस वन, डू यू नो वॉट आर द डायमेंशन ऑफ ई, ई मतलब कौन है यहाँ पे ई, चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से थे, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर लुमिनेसेंस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करंट इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड। हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, करंट कैसे डिफाइन करते हो, करंट चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम। देखो प्रॉब्लम यह है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, करंट, और करंट कैसे डिफाइन किया था तुमने अभी बोला, हाउ डू यू डिफाइन करंट, चार्ज अपॉन टाइम, वेरी गुड। तो करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन चार्ज को हम लोग बोल रहे हैं ई, तो ई अपॉन टी, तो व्हाट इज करंट, ई अपॉन टी, तो व्हाट इज ई, आई इंटू टी, तो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ ई, ए वन टी वन, ए वन एंड टी वन, करेक्ट राइट। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ना ए नहीं यूज किया है करंट के लिए, क्या यूज किया है, आई, तो आई वन टी वन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है डायमेंशंस ऑफ चार्ज, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफोर डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ ई इंटू डायमेंशंस ऑफ वी, बट डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या थे, एम वन एल वन टी माइनस टू, डायमेंशंस ऑफ ई क्या है, आई वन टी वन, वेलोसिटी क्या है, एल वन टी माइनस वन, तो जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो,
L1 कैंसिल, L1 कैंसिल, ये टी माइनस टू में से टी माइनस वन, अच्छा वो क्यों करना है तुमको, ये भी है ना, टी प्लस वन एंड टी माइनस वन कैंसिल, टी प्लस वन एंड टी माइनस वन कैंसिल, ये जो आय है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा ना, तो क्या आएगा, M1 आय माइनस वन एंड एंड टी माइनस टू, बराबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, थर्ड, तो थर्ड का आंसर देखो क्या है, टेक्स्ट बुक में मतलब नोट्स में क्या दिया है, L1, इधर L आया क्या, नहीं, तो L0 होना चाहिए, तो वहां पे करेक्शन है, तो यहाँ पे L आना चाहिए 0। और क्या गलती है देखो, M0 दिया है, M क्या आना चाहिए 1, डन, तो वहां आंसर गलत है, तो करेक्ट कर लो। हाँ ओके, तो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस है दे आर बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसका थ्योरी हमारा बाकी है, तो अगले दो क्वेश्चन हम लोग कल या परसों करेंगे, डिपेंडिंग ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स का थ्योरी कब होता है। तो ये जो क्वेश्चन है दिस वन, अच्छा ओके, ये कौन सा है, 6 नंबर, इससे पहले का कौन सा था, थर्ड, तो फोर्थ एंड फिफ्थ आर बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो अलग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विद अ वर्नियर कैलिपर हैविंग अ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब जिनको वर्नियर कैलिपर नहीं पता, डोंट वरी, जेई नीट में होगा, वो JEE के लिए ही आता है वर्नियर कैलिपर, तो हम लोग वो उस क्लास में लेंगे। जिनको नहीं पता, सिर्फ आपको ऐसा पता होना चाहिए कि मेजरमेंट के लिए जैसे आप सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो, वैसे ही एक दूसरा स्केल होता है, उसको बोलते हो वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर इज यूज टू मेजर लेंथ। इससे ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है एट दिस स्टेज। और उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। फोर सच मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज। तो हमने वर्नियर कैलिपर यूज करके 4 लेंथ के मेजरमेंट लिए, और पहला वैल्यू मिल गया 3.11 सेंटीमीटर, दूसरा 3.13 सेंटीमीटर, चौथा 3.14 सेंटीमीटर, और चौथा और तीसरा सेम है, तो 3.11, 3.13, 3.14 एंड 3.14। फाइंड द मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, क्या बोला है क्वेश्चन में, समझ में आया, वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.01, वो यूज करके आपने लेंथ के 4 मेजरमेंट लिए। पहले लेंथ के मेजरमेंट को बोल देता हूँ L1, ये वैल्यू कितना आया था, 3.11, बराबर ना, हाँ। दूसरा क्या आया, 3.13, तीसरा क्या आया, 3.14, और चौथा क्या आया, 3.14। हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्या बोला है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू बोला है ना, मीन लेंथ, तो एल मीन, उसके बाद क्या बोला है, हाँ मीन एब्सोल्यूट एरर, याद है डेल्टा ए मीन, याद है, इसको डेल्टा एल मीन बोलेंगे। वहां पे मैं रीडिंग्स को A1, A2, A3 बोल रहा था, यहाँ पे मैं L1, L2, L3, L4 बोल रहा हूँ, तो डेल्टा एल मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा एल मीन अपॉन इनटू 100, तो ये फाइंड करना है। तो ये तीन क्वांटिटीज फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, 1/1। एल मीन कैसे फाइंड करोगे, हाँ, एल मीन इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन, जैसे हमने देखा था ए मीन, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An अपॉन An, वैसे यही है, सेम है। इसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, डेल्टा एल मीन, ये कैसे फाइंड करते हो,
डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री प्लस डेल्टा एल फोर अपॉन फोर। मतलब पहले आप फाइंड करोगे एब्सोल्यूट एरर इन एल वन, फिर फाइंड करोगे एब्सोल्यूट एरर इन एल टू, फिर फाइंड करोगे एब्सोल्यूट एरर इन एल थ्री, फिर फाइंड करोगे एब्सोल्यूट एरर इन एल फोर। चारों को ऐड करोगे डिवाइड बाय फोर, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री अप टू डेल्टा ए एन डिवाइड बाय एन। गुड, फिर क्या फाइंड करना है आपको? परसेंटेज एरर, वो तो पता ही है, अभी लिख ही दिया था फॉर्मूला मैंने। परसेंटेज एरर क्या है? डेल्टा एल मीन अपॉन एल मीन इंटू 100। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो ठीक है, एक एक करके सॉल्यूशन, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एल मीन। तो एल मीन का फॉर्मूला था एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर अपॉन फोर। एल वन की वैल्यू आपको दी हुई है 3.11, 3.13, 3.14, 3.14 बाय फोर, तीन 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 12, 12 और 11 24, 24 28, 3.13 कैसे आया बता देता हूँ। तीन 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 पॉइंट 11, 0.11, 0.13 मतलब 0.24, 0.24 और 0.14, 0.38, 0.38 और 0.14 डिवाइड बाय 4। वेरी गुड, हो गया 4 1 जा 4 3 जा 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, 4 13 जा 50। ऐसा स्कूल में सीखते हो ना आप। तो ये आ गया 3.13। गुड, तो ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, ये क्या मिला, ये मीन वैल्यू। दिस इज मीन वैल्यू, और मैंने बताया था आपको हाउ टू चेक कि जो मीन वैल्यू वो करेक्ट है कि नहीं, याद है? सबसे छोटे रीडिंग से बड़ा और सबसे बड़े रीडिंग से छोटा। तो सबसे छोटा रीडिंग था 3.11 और सबसे बड़ा था 3.14, तो बीच में आया, करेक्ट है, सही है, हो गया। अब आपको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए पहले आपको डेल्टा एल वन फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या था वो, याद है? एल मीन माइनस एल वन का मॉड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। एल मीन कितना आया? 3.13। माइनस कितना था? तो कितना आ गया? 0.02। डेल्टा एल टू कितना है? एल मीन माइनस एल टू, तो 3.13 माइनस 3.13, तो कितना है? डेल्टा एल थ्री इज एल मीन माइनस एल थ्री, व्हाट इज एल मीन? 3.13 माइनस 3.14, तो 0.01। माइनस तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मॉड वैल्यू है, तो माइनस लिखेंगे नहीं। और डेल्टा एल फोर भी सेम आएगा, क्या आएगा? 0.01। गुड, हमको चाहिए था मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना? हाँ, तो फिर डेल्टा एल मीन, इसका फॉर्मूला भी लिखा था आपने, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री प्लस डेल्टा डिवाइड बाय, हो गया। अब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। व्हाट इज डेल्टा एल वन? 0.02। व्हाट इज डेल्टा एल टू? डेल्टा एल थ्री 0.00 डिवाइड बाय 0.04 डिवाइड बाय 4, तो कितना है? 0.0 सेंटीमीटर, मीटर जो भी था वो, सेंटीमीटर था कि मीटर था? सेंटीमीटर। ओके, वापस से क्रॉस चेक, सबसे छोटी वैल्यू 0 है इसकी, एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर के चार वैल्यू थे ना, 0.02, 0, 0.01 और 0.01। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है? तो उसके बीच में है, बराबर है, करेक्ट है। गुड, देन इसके बाद क्या फाइंड करना था? परसेंटेज एरर, डेल्टा एल मीन अपॉन एल मीन इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा एल मीन? अभी फाइंड किया,
0.01 अपॉन, व्हाट इज एलिमिन, ठीक 3.13 इंटू, यू नो व्हाट इज 0.01, 10^-2 और 100 इज 10^+2, तो वो तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 3.13। व्हाट इज रफ वैल्यू ऑफ 1/3, वन थर्ड, यू शुड नो वन थर्ड, वन थर्ड टू थर्ड ये पता होना ही चाहिए आपको। अरे वन थर्ड होता है 0.33333, टू थर्ड होता है 0.66666, ये बहुत बेसिक नंबर है जो आपको पता होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। तो ये 10^-2 और 10^-2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन 3.13। तो आपका आंसर 0.3 के आसपास आएगा, है क्या, देखो है, होना ही चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है आंसर, 1.3, कितना, 1.3, तो हमारा तो नहीं आ रहा 1.3, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई बताओ। नहीं आ रहा ना, तो कहाँ गड़बड़ हो गई। अरे सब कुछ यहीं पे है, कहाँ गड़बड़ हो गई। इससे पहले के क्वेश्चन में डायमेंशंस हमारे और बुक के आंसर मैच हुए थे क्या, नहीं नहीं हुए थे ना, फिर कहाँ गड़बड़ थी आंसर में, तो इधर कहाँ गड़बड़ है आंसर में, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये आता है 0.32। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो गलत प्रिंटेड है, तो करेक्ट आंसर ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हैविंग मास 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज है मास की, एरर इन मास, स्पीड, एरर इन स्पीड। मास कितना है 60 ग्राम, 60.0 मतलब 60, डेल्टा एम कितना था 0.3 ग्राम, स्पीड कितना है, कितना है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डेल्टा वी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.1, 25.360 बराबर है। आपको पूछा है व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला बना लेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर। तो पहले तो ये बताओ यहाँ पे वैसे भी परसेंटेज एरर बोला है, व्हाट इज परसेंटेज एरर, व्हाट इज परसेंटेज एरर, व्हाट इज परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे वैसे भी आपको फ्रैक्शनल एरर देना पड़ेगा, तो कैसे लोगे, याद है क्या फॉर्मूला, मेरे को बताओ, जेड इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एम, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए बाय ए प्लस एम डेल्टा बी बाय बी। तो मुझको ये बताओ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ नहीं आएगा, हाफ इस कांस्टेंट, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, मास डेल्टा एम बाय एम प्लस टू डेल्टा वी बाय। तो फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला बनाना सीखो, हाफ लिखोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। हाफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हाफ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, एरर होता है मेजर्ड क्वांटिटी में। देन वंस यू हैव फॉर्मूला, अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है,
और दिस इज फ्रैक्शनल एरर। हमको क्या पूछा है, हमको क्या पूछा है, परसेंटेज एरर। क्या पूछा है हमको, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए सिर्फ क्या करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। डन, गुड गुड फाइन। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इक्वल टू क्या था, डेल्टा एम बाय एम। व्हाट इज डेल्टा एम, 0.3। व्हाट इज एम, 60 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी, 1/25 मल्टीप्लाई बाय 100। गुड, करेक्ट। अब कैलकुलेशन करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, सबसे पहले वो समझना है। ऑलवेज रिमेम्बर, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी समझ लो पहले। ये पॉइंट है, इसको हटा दिया तो क्या आएगा, 3 × 10⁻²⁻¹ / 60। 2 × 0.1 मतलब 10⁻²⁻¹ / 25 × 100, राइट। 60 मतलब क्या होता है पता है, 6 × 10। और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा पता है, -1, और ऑलरेडी माइनस था तो कितना हो गया, -2। और मैं जानबूझ के यहीं पे करेक्शन कर रहा हूं क्योंकि आपको खुद को समझना होगा कि कैलकुलेशंस को काम कैसे करते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, आने वाले 2 साल, आपका जेई नीट का रिजल्ट डिपेंड करेगा, सीईटी का रिजल्ट डिपेंड करेगा कैलकुलेशन के ऊपर। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऊपर ले गया 10 को 10⁻²⁻¹, और ऑलरेडी 10⁻²⁻¹ था तो कितना होगा, 10⁻²⁻²। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बाहर क्या है, 100, और 10⁻²+2, तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो सीधा सीधा कैंसिल, क्या होगा, कैंसिल 10⁻²⁻¹, 10⁻²+2। अब देखो ऐसा है, यहाँ पे भी मेरे को 10⁻²⁻² चाहिए, तो मैं कर क्या सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 कर सकते हो ना, ओके। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻²⁻¹, 10⁻²⁻¹, मतलब 10⁻²⁻² हो गया। गुड, वेरी गुड। इससे सिर्फ इतना हुआ, 1 जा एंड 2 जा, तो व्हाट इज 1/2, 0.5। तो ये 1/2 जो है ये हो गया 0.5 प्लस 20/25। व्हाट इज 20/25, 4/5। यू नो व्हाट इज 4/5, 0.8। तो 10⁻²⁻² माइनस टू आ गया कॉमन, और 100 तो था ही, 100 और 10⁻²⁻² हो गया कैंसल, 4 जा एंड 5। अभी आपने बताया 4/5 मतलब कितना, 0.8, और यहाँ पे कितना था, 0.5। तो 0.8 और 0.5 कितना होता है, 1.3 इज द आंसर। तो वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स, सम नंबर विल कीप ऑन अपियरिंग अगेन एंड अगेन, और आपको ये नंबर्स को क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं पता होना चाहिए। तो दो सम नंबर्स आर 1/2, व्हाट इज 1/2 का वैल्यू, 0.5। 1/4, 1/2 अगर तुम 0.5 बोल रहे हो तो 1/4 हाफ का भी हाफ है, मतलब 0.5 का आधा, 0.25। 1/8, 1/8, 0.125। चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, कुछ नंबर बार बार आएंगे, 1/2, 0.5, 1/4 आधे का आधा, 0.25, 1/8 1/4 का आधा, 1/4 का आधा, 0.125, 1/16 0.01, सॉरी 0.0625, इसका भी आधा करोगे 1/32,
बताओ, जल्दी बताओ, 0.07325 ऐसा कुछ आता है, मोर और लेस, रफली रफली स्पीकिंग, राइट? उसके बाद कौन सा नंबर लगता है आपको? 1/3, 0.33333, 1/6, 1/3 का आधा कर लो ना, 0.16666, 2/3, 0.6666, उसके बाद पाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई, व्हाट इज 1/पाई? सिर्फ डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट कर देना याद रखने के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू 0.314 नहीं है, 0.318 है, लेकिन याद रखने का तरीका होता है, अगर पाई की वैल्यू 3.14 और किसी एग्जाम्पल में 1/पाई आ गया तो सिर्फ डेसिमल सरका लो, 0.314, एक्चुअली 0.318, लेकिन रफ वैल्यू कितना ले सकता हूँ, 0.314, याद रखने के लिए होता है वो, जस्ट टू रिमेम्बर दैट यू शुड नो दिस। और 2 raise to 1 is 2, 2 raise to 2 is 4, 2 raise to 3 is 8, 2 raise to 4 is 16, 2 raise to 5 is 32, 2 raise to 6 is 64, 2 raise to 7 is 128, 2 raise to 8 is 256, 2 raise to 9 is 512, 2 raise to 10 is 1024। ये नंबर भी बहुत काम में आते हैं, और ये एग्जैक्टली आपके मोबाइल फोन के रैम या मेमोरी कार्ड का साइज है। अभी तो आप 4 GB 8 GB की बात करते हो, लेकिन पहले पहले जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए थे तो 32 MB के रैम से स्टार्ट हुआ था, तो 32 मतलब 2 raise to 5, फिर 64 आया मतलब 2 raise to 6, फिर 2 raise to 7 128 MB आया, फिर 2 raise to 8 आया। उसके बाद नए टेक्नोलॉजी की वजह से चिप का साइज बन गया छोटा और कैपेसिटी बढ़ गया, तो आप जब बोलते हो 1 GB रैम, यू आर एक्चुअली सेइंग, दैट इज 1024 MB। ओके गुड, जब आप बोलते हो 2 GB, यू आर सेइंग 2 raise to 11, दैट इज 2048, राइट? गुड, तो ऐसा होता है, वो डबल 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 होता जाता है। तो ये नंबर्स भी पता होने चाहिए, और एज एंड वेन बाकी नंबर जब लगेंगे तब बता दूंगा मैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज ओहम्स लॉ? वी इक्वल टू आई आर, व्हाट इज आर देयर रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिस्टेंस? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस वेयर फाउंड टू बी 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम, 6.15 ओहम, चार वैल्यूज है। मतलब व्हाट यू हैव बीन गिवन इज R1, R2, R3, R4, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, 6.6 पॉइंट, पहला वैल्यू 1, 2 है ना, 6.09, उसके बाद क्या है, 6.22, 6.15, ओके। तो ये चार वैल्यूज दिए हुए आपको, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर नहीं, कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि अगर मैं एब्सोल्यूट एरर बोलता हूं तो फिर किस में एब्सोल्यूट एरर, R1 में कि R2 में कि R3 में कि R4 में, लेकिन अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर बोलता हूं तो फिर क्या करोगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 डिवाइड बाय 4। तो कई बार क्वेश्चन में आपको बोला होगा कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, तुमसे वो पूछना ये चाहते हैं कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या कैलकुलेट करना है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिमेम्बर दे विल नॉट टेल यू एवरी टाइम मीन एब्सोल्यूट एरर, बट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट दे आर आस्किंग यू मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट्स। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट 3 थिंग्स, नंबर 1 डेल्टा आर मीन, नंबर 2 रिलेटिव एरर, डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन,
नंबर थ्री परसेंटेज एयर, राइट, डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके तो ठीक है, वी विल स्टार्ट बाय फर्स्ट फाइंडिंग आउट व्हाट इज आर मीन, क्योंकि आर मीन के बिना आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट एरर के बिना आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि याद होगा एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या था, मॉड ऑफ आर मीन माइनस आर वन, आर मीन माइनस आर टू, आर मीन माइनस आर थ्री। तो पहले आपको आर मीन लगेगा, तो पहले आर मीन फाइंड कर लो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर डिवाइड बाई 6.12, 6.09, 6.22, 6.15 बाई 4, 6 6 6 6 4 बार 24, 12 और 9 21, 21 और 22 43, 43 और 15 50, तो 24.58 डिवाइड बाय बराबर, श्योर श्योर, 1 जा एंड 6 जा पॉइंट 1, 18 मतलब 4 2 0 5 6.145, ये है मीन वैल्यू ओहम में, ओहम रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम। तो ये आ गया आपके पास मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट वाज द लोवेस्ट वैल्यू 6.09, व्हाट वाज द हाईएस्ट वैल्यू 6.8, बराबर है फिर, ओके करेक्ट है ये। उसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला था आपको, डेल्टा आर मीन, तो लेकिन डेल्टा आर मीन के लिए पहले क्या चाहिए, डेल्टा आर वन, दैट इज आर मीन माइनस आर वन। ओके ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है, और क्या चाहिए, डेल्टा आर टू, और क्या चाहिए, डेल्टा आर थ्री, डेल्टा आर फोर, सब पहले फाइंड कर लो, 2 2 3 3 4 4 इक्वल टू कितना है, 6.145 माइनस 6.12, 6.145 माइनस 6.09, 6.145 माइनस 6.22, 6.145 माइनस 6.15, बताओ तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.025, 0.025, हाउ मच इज दिस, 0.05। मैं आपसे सिर्फ दो नंबर का सब्ट्रैक्शन पूछ रहा हूं, वो जो स्कूल का मोड है ना उससे निकलना पड़ेगा, आपका स्कूल का मोड पता है क्या है, ऐसा है 5 में से 0 गया 5, 4 में से 9 जाता नहीं है तो उधार लो, इसमें से माइनस कर लो 5, 0.055, इस मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन का स्पीड हो जाएगा बहुत स्लो, बहुत स्लो। जीरो पॉइंट 0.6.220, 6.145, अब बताओगे तुम, बताओ, उधार लोगे फिर इसको 12 करोगे फिर इसको 11 करोगे फिर उधार ले लोगे 5, कितना है ये, तो 0.075। हाँ गुड, अब बताओ, ये बताओ आखिरी आखिरी, अभी आखिरी तो बता ही दो, 0.005, गुड। तो ये आपको मिल गया चार वैल्यूज ऑफ एरर।
अभी आपको चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में चारों को ऐड करते हो ना, डेल्टा आर वन, डेल्टा आर टू, डेल्टा आर थ्री, डेल्टा आर फोर, यहीं पे कर लो। ये 25 है, 55, 80, 80 और 75, 155 और 5, 160। लेकिन लेकिन डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3, तो 160 लिखूंगा तो पॉइंट यहां लगाऊंगा, 0.16। बराबर, गुड, यहां तक सही है। अभी बाकी है, ये तो सिर्फ मैंने रफ रफ बताया, अभी बाकी है। अभी हमको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू प्लस डेल्टा आर थ्री प्लस डेल्टा आर फोर डिवाइड बाय 4। अब ये तुमने ही बताया मुझे कितना था, 0.16। जीरो लिखो मत लिखो, क्या फर्क पड़ता है, डिवाइड बाय 4, 0.04 ओहम। सबसे कम वैल्यू कौन सा था, 0.005, सबसे ज्यादा क्या था, 0.75, तो बराबर 0.04, ठीक है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। फिर क्या फाइंड करना था आपको, परसेंटेज एरर। देखो क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको, डेल्टा आर मीन हो गया फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो पहले रिलेटिव एरर फाइंड कर लो, पॉइंट रिलेटिव एरर, डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन। व्हाट इज डेल्टा आर मीन, 0.04, व्हाट इज आर मीन, 6.145। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर ऑन लॉगरिथमिक टेबल येट, उसमें रेसिप्रोकल भी बताया है मैंने। तो क्या डिवाइड करना है तुमको, 0.04 डिवाइड बाय 6.145, कितना आ गया, 0.0065, 0.0065। बराबर, परसेंटेज एरर तो सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.0065 इंटू 100, तो कितना, 0.65। आंसर है क्या, ऐसा कुछ है क्या, आंसर है 0.65। डन।